टीकमगढ़ शहर से 5 किलोमीटर दूर शिवधाम कुंडेश्वर में शुक्रवार की सुबह जमड़ार नदी में नहाने गए 2 युवकों की गहरे पानी में डूब जाने के कारण बड़ी दुर्घटना सामने आई है। दोनों लड़के उफनती नदी में नहाने के लिए कूद गए। अधिक गहराई में चले जाने के कारण दोनों लापता हो गए। नदी में नहा रहे अन्य लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। लोगों की सूचना पर खिरिया चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से एक युवक के शव को नदी से बाहर निकाला जा चुका है, जबकि दूसरे लड़के की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार की सुबह कुंडेश्वर में नदी में 2 लड़कों के डूबने की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर नदी पर नहा रहे अन्य लोगों से पूछताछ की गई। इस दौरान लोगों ने बताया कि 2 लड़के नदी में डूब गए हैं। तत्काल गोताखोरों को बुलाकर लड़कों के शवों की तलाश की गई। इस दौरान एक लड़के के शव को नदी से बाहर निकाला गया। गोताखोरों की मदद से दूसरे लड़के की तलाश की जा रही है। पुलिस को शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि एक युवक हरपुरा थाना जतारा गांव का रहने वाला है, जबकि एक दूसरा युवक कुर्राई गाँव का है। दोनों युवकों के नाम विकास यादव और आदेश विश्वकर्मा बताए गए हैं। पुलिस को आदेश विश्वकर्मा का शव मिल गया है। दोनों युवक सुबह से पुलिस की तैयारी के लिए दौड़ने के लिए गए थे। दौड़ के बाद वे नदी में नहाने चले गए और उफनती नदी में कूद गए। लापरवाही के चलते दोनों गहरे पानी की ओर चले गए, जिसके कारण यह हादसा घटित हुआ।